सुनहरा मैंने जो लग नाम से दिलों के भेद खूब जानता है, देखते हैं को सुनती करो आपको शादो गर्म का सलाम। उम्मीद करती हूँ तुम्हें YouTube फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। एक नए ब्लॉग के साथ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का दिन स्टार्ट हो चुका है और माशाल्लाह से सुबह से ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं। और आज मैं एक बहन की रिक्वेस्ट थी कि आप बता दें कि ऑमलेट और जो पराठा है वो किस तरह से उसे पैक करना है। वैसे तो मैं तकरीबन काफ़ी सारी वीडियोज में बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं आज स्पेशल उस बहन के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे ऑमलेट पराठा और आलू वाले पराठे का, ऑमलेट और सादे पराठे और आलू वाले पराठे का ऑर्डर आया था। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाऊँ कि आप किस तरह से बना सकती हैं। इधर मैंने पराठों के पेड़े भी कर लिए थे तो साथ ही अभी पहले सादा पराठा बना लूंगी, फिर आलू वाला पराठा बना दूंगी। और इसकी प्राइस मैं बहन ने पूछा था कि आप मैं इसकी पराठों की या ऑमलेट की प्राइस कैसे सेट करूं। वैसे तो मैंने इस पे अलग से डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने आसपास का जो रेस्टोरेंट है उनको सर्च करें, उनका देखें कि उन्होंने क्या प्राइस रखी है। तो जब स्टार्ट करना है तो आप उनसे कोई थोड़ा बहुत 5-10 रुपये कम कर लें, उसके बाद जब रेस्टोरेंट चल जाए तो फिर आप उनके जैसी प्राइस रख लें। तो इस तरह से आप अपनी प्राइस सेट कर सकती हैं, क्योंकि स्टार्ट में थोड़ा सा करेंगे दूसरे रेस्टोरेंट से कम तो आपके रेस्टोरेंट की सेल थोड़ी ज़्यादा होगी, जल्दी शुरू हो जाएगी। मैंने भी ऐसे किया था तो फिर बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं। अभी मुझे ऑमलेट पराठा, सादा पराठा, प्लेन पराठा और साथ ही आलू वाले पराठे का ऑर्डर था। तो मैंने कहा चले मैं आपको डिटेल से दिखा दूँ, बता दूँ किस तरह मैं इसको पैक करती हूँ, किस में पैक करती हूँ। आलू वाला पराठा जो प्लेन है, सिंपल आलू वाला पराठे की प्राइस 150 रुपया है, 150, और प्लेन पराठा विद ऑमलेट की प्राइस 200 है। मैंने साथ साथ आपको प्राइस भी बता दिया, अभी मैं आपको बता दूंगी कि आप इसको किस तरह से पैक करें और किस तरह मैं किस डिब्बी में या किस बॉक्स में पैक करती हूँ, किस तरह पराठे को रैप करती हूँ, वो भी मैं सारा आपको साथ साथ दिखा दूंगी। यहाँ पे कटिंग क्योंकि मैंने पहले से प्याज की करके रखी हुई थी तो वो मैंने फटाफट से तैयार कर लिया है। ऑमलेट बस अभी मैंने मिक्स करने हैं आलू वाले पराठे की का सामान और फिर पराठा बना देना। ये देखें इस वाले पेपर में मैंने पराठे को रैप करना है। इस तरह से पराठा मैंने रैप करके तो शॉपर में पैक कर देना है। आलू वाले पराठे में आलू, प्याज, सब्ज मिर्च और बाकी के मसाले, अजवाइन थोड़ी सी और साथ में सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारा सामान मैंने इसमें मसाले डालने होते हैं, उसके बाद पराठा जो है वो बनाते हैं। दो पेड़े छोटे छोटे से कर लिए, अभी मैं आपको दो पेड़ों वाला ही दिखाऊंगी। वैसे मैंने दूसरे तरीके से भी बताया हुआ पराठा बनाने का, तो आपको कैसे बना सकते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको दो पेड़ों वाला पराठा बनाना सिखाऊंगी। इजीली आप आराम से हैंडल कर लेंगी जब आप शुरू हो जाए, कर ले अपना काम स्टार्ट, थोड़े दिन गुजर जाए फिर आपको ऐसा ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरू में थोड़ा सा बस मुश्किल लगेगा, वो इतनी कोई मसला नहीं है आपका। ये देखिए इस तरह से सारी आपने फिलिंग करनी है अच्छी तरह से। उसके बाद दूसरे पेड़ को इस तरह किनारों से प्रेस करते हुए ये देखिए, ताकि मटेरियल जो बाहर ना निकले, हमारा आलू का जो अमेजा मसाला तैयार किया हुआ वो सारा अंदर गर्म है, उसके ऊपर पराठे को फैला दिया। ऑमलेट भी तैयार हो गया, मैं ऑमलेट की पैकिंग भी दिखाती हूँ। ये ऑमलेट की पैकिंग है, ये डिब्बी 6 रुपए में मिली है मुझे, तो इसमें मैं ऑमलेट पैक करके देती हूँ। उसके अलावा छोटी थोड़ी बहुत कुछ चीज हलवे के लिए भी मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, हलवे के लिए और ऑमलेट के लिए मैं ये वाली डिब्बी इस्तेमाल करती हूँ सूजी के हलवे के लिए, तो
ये मुझे 6 रुपए में मिली है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर मैं कैसे पैक करती हूँ। साबुती पराठा भी तकरीबन तैयार है और राइडर भाई भी आ चुके हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके अंदर ये देखें, ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देंगे और थोड़ा सा धनिया भी लेने वाला है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेथी छिड़क दूंगी, मैंने कुचा करके रखी हुई है, उसका भी टेस्ट और खुशबू बहुत प्यारी आती है। यहाँ पे इस टाइम इसके ऊपर थोड़ी सी और छिड़क दूंगी और इसको कर दूंगी बंद। आलू वाला पराठा हो गया तैयार, इसको भी मैं इसी वाले रैप में करूंगी। यहाँ पे मैं इसके ऊपर चाट मसाला छिड़कूंगी, साथ ही थोड़े से ये पराठा से सीख गया हुआ है। देखिए बीच वाले सांपर में पराठा, सादा पराठा और आलू वाला पराठा, साथ में केचप के ये दो सब्जी। और इसकी पैकिंग ये पैक हो गया है, अभी मैं देने जा रही हूँ, राजा भाई आ चुके हैं। मेरे रेस्टोरेंट का टाइम हो गया ख़त्म, ऑफ हो गया, और आज मुझे 7 ऑर्डर आए थे टोटल और मेरी सेल हुई है 2920 रुपये की। और एक ऑर्डर मैं आपको दिखाऊं कि आज ये ऑर्डर आया 4 रोटियां और 1 आलू अंडे, और साथ में उन्होंने लिखा था कि मज़े का होना चाहिए प्लीज़, और ज़्यादा भी, और रोटियां भी माँ जी के हाथ की लगनी चाहिए। 5 स्टार और कमेंट भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। तो इसको फिर रोटियां तो और अंडू अंडे ये गया था। इसके बाद ये भी अक्सर मंगवाते हैं, इन्होंने आलू गोश्त तो और 2 सादा रोटी मंगवाई थी। और लास्ट मेरा ऑर्डर गया है 1 आलू पराठा, 1 चिकन कौरमा, सादा रोटी और वेजिटेबल सलाद। ये फिर मैंने सलाद जो है फाइक ने मेरे साथ, छोटे बेटे ने साथ कटिंग करवाया था, जल्दी जल्दी में दोनों नमाज पढ़ के, बड़े बेटे आए नहीं थे अभी, तो इस ये वाला ऑर्डर मेरे साथ फाइक ने पहले कटिंग करवाया कंप्लीट, और उसके बाद फिर मोहिन नमाज पढ़ के आ गया था, तो फिर उसने मेरे साथ पैकिंग करवाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इसी दुआ के साथ के जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी ता करे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।